ईश्वर ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, आपको ना खेसारी ने बनाया है, न पवन भैया ने बनाया है, ना दिनेश यादव ने गुआ ने बनाया है, ना रवि जी ने, ये पब्लिक ने आपको प्यार दिया है। मायूस नहीं होते, हम इनके बच्चे हैं, हमें कभी कम नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे माँ बाप का नाम है। ये जनता आज 6 से 7 लाख की पब्लिक है, ये हमारे माँ बाप हैं, आप सबने हमें बनाया, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा जरूर किया है, लेकिन आज जीवन अगर मिला है तो आप सबसे बदौलत मिला है, नहीं तो आज मैं खेसारी के लिए बेचूंगा। लेकिन फिर कोई हार्ड कार्ड छपाई से पहले एक सैड सॉन्ग गा रहा हूं। हमेशा सैड सॉन्ग में हमको का याद रखते हैं, जितना सैड सॉन्ग गाए हैं, जितने लोग हैं, सब कोई कहते हैं कि सैड सॉन्ग में नहीं ये गाए हैं। ये बताइए कि उससे पहले भी से किसी कोई रोमांटिक गाना में हम नहीं रहते हैं, सैड सॉन्ग में जरूर रहते हैं। जो दिल के करीब होते हैं ना, वही दुख में रहते हैं। हां हां, गलत बोल रहा हूं, इसको आप अधा मत लीजिए। जो दिल के करीब होते हैं वही दुख में होते हैं, और उन्हें ही दुख में याद करता है कोई, है कि नहीं भाई? एक बार ताली बजा के बता दीजिए आप लोग, की सवाल है कि नहीं? कि तू इतना सुंदर भावी बड़ाई कैले सजा हाथ में तहर सूरज भसल का पढ़ाई कैसे कि दिल तोड़ हो न जई हा आज चिड़िया था आज पब्लिक के सामने सभी कारिका के सजे ला मेरा लेकर यहाँ जाता और जो मर जाए भी ससुरा अगर ऐतराज है इस जमाने को दो दीवानों के जीने से, अगर ऐतराज है इस जमाने को दो दीवानों के जीने से, तो ऐ खुदा हटा दे इस दिल का सिस्टम से। Oh,
तेरा गम न मोहब्बत से हावी न होता तो खुदा की कसम से सारी शराबी न होता तेरे गम में जिया करूंगा अगर गम गम नहीं होगा तो किया करूंगा लेकिन याद रखना अच्छा मर जाने के बाद भी यमराज के मोबाइल से तेरे मोबाइल पर मैसेज दिया करूंगा चलिए बहुत सारी कलाकार हैं तो अभी थोड़ा सा मैं चाय पी लेता हूँ।